यहाँ भी मेरे पास, मैंने ये बता दिया था रास्ता से, एडिट एक्टिविटी में हो ही रहा था कि मैं इम्यूलेटर भी चला के दिखा देती हूँ आपको। एडिट स्टूडेंट पे गए भैया, यहाँ आपने फाइन करना है, यहाँ लिखा भाई 1 है, फाइन करो। ये यहाँ पे फाइन हो गया था, फिर हम अगर इसमें कुछ भी चेंज कर रहे थे वो चेंज हुआ था लेटर को। तो मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया ईमेल में, ठीक है, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया, वापस बैक करो, वापस आओ यहाँ पे अगर, और मैं वापस 1 या 2 जो भी हम वहाँ फाइन करेंगे, अगर नहीं है तो इनवैलिड आएगा, अगर है तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास ये अपडेट होके आ रहा है। अब रहा सवाल ये था कि इसको डिलीट करना था, डिलीट स्टूडेंट वाले पे जाना। तो डिलीट वाले पे हम जब आ रहे हैं तो हमारे पास एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मौजूद ना। ठीक है, इधर प्रोजेक्ट पे आ रही हूँ मैं, डिलीट वाला मैंने यहाँ पे ओपन करा। अच्छा, अब डिपेंड नहीं करता है कि जो डिलीट वाला आपने बनाना है वो बनाना कैसे, हमने आईडी डाल के ये बनाना है या फिर हम सारे रिकॉर्ड एक साथ व्यू कर लें, और व्यू करने के बाद और हम कहें कि भाई जो भी हमने रिकॉर्ड व्यू किया है वो सारा जो है वो उठाओ, और उठा के जो है वो मुझे डिस्प्ले करा दो, ये भी हो सकता है। और उसी के साथ मैं डिलीट का बटन बना दूँगी भाई, साथ साथ डिलीट भी करना है, सही है, ये पॉसिबिलिटी होती है। नहीं तो सिंपल वे हमारे पास ये होता है कि जो हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया है ना, लीनियर लेआउट है, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट है, और इसके अंदर ये वाला फाइन व्यू बाय आईडी तक का है। इस वाली नीचे वाली की बात नहीं करी, इतना कोड मैंने कट किया है, नीचे वाला नेम नहीं कट किया है, इसको मैंने कॉपी करा है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं डिलीट वाले में, यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट करना है, और नीचे एक लीनियर लेआउट बंद करना है। अब ये मेरे पास हो जाएगा मैच पैरेंट, सही, और इसकी जो आईडी है वो एडिट की जगह यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये फाइंड का बटन है, DEL लिख दिया, डेल बटन फाइंड है, ठीक है। यहाँ आईडी आपकी व्यू हो रही है, तो मैं जो आईडी डालूंगी वो फाइन होके आएगा, उसका रिकॉर्ड नीचे आ रहा होगा, नीचे बटन आएगा डू यू वांट टू श्योर योर डिलीट योर रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू होगी जिसमें हमारा रिकॉर्ड उठकर डिस्प्ले हो रहा हो, एडिट टेक्स्ट बॉक्स पे आप आ जाओ। एडिट टेक्स्ट बॉक्स पे जो हमारी ये सारी चीज़ें लगी हुई थी ना, ये यही उठा के मैंने इधर टेक्स्ट व्यू पे लगा दिए, ठीक है। डिलीट स्टूडेंट नेम है मेरे पास, ये आ रहा है यहाँ पे इस तरह। अब मेरे जितने भी टेक्स्ट व्यू हैं, जितने भी मेरे पास कॉलम थे, उसके लिहाज से मैंने यहाँ पे इसी सबको वापस पेस्ट करना है, ठीक है। मेरे पास क्या क्या है, नेम है, ईमेल है, बैज है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, बैज हो गया,
बैज हो गया, इसके बाद यहाँ आ जाए आप, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है, ठीक है। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ और एक है मेरे पास जेंडर। अच्छा, ये तो मेरे पास इस तरीके से डिस्प्ले में आ रहा है, ठीक है। मुझे इसका जो है वो टैक्स व्यू है मेरे पास, ठीक है। बेसिकली मुझे करना यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर हेडिंग भी देनी है कि भाई जब ये डिस्प्ले कराएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि नेम है क्या है। मैं कॉन्कैटिनेट करके कराऊँ या जैसे भी कराऊँ, तो मैं एक काम यहाँ ये करूँगी कि मेरा जो ये टैक्स व्यू है, एक और मैंने लगाना है यहाँ पे, आई मीन कि मार्जिन वगैरह मैं सेट करा रही हूँ ना। एक तो इनकी मार्जिन नहीं लगानी, तो ये मार्जिन इसकी सिर्फ लेफ्ट और राइट से लगेगी, लेफ्ट से 20 रखनी है। राइट से रखनी है, सही है। टेक्स्ट है इसका स्टूडेंट नहीं, और ये जो इसके नीचे भी नहीं है, आएगा तो ये जो मार्जिन है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट से आ रही है, जो इसी के साथ इसमें आएगा, ठीक है ना। इसके नीचे इसका ये लिखा हुआ आएगा, फिर ईमेल के लिए आ जाए, सेम यही कॉपी किया इधर ईमेल के लिए, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसमें मार्जिन टॉप यूज करेंगे हम 20 डीपी की, सही है, ताकि ये थोड़ा गैप हो गया है। सिर्फ लेफ्ट और राइट यूज करना है इसमें, इस तरह ये इसके साथ हो गया। इसी तरीके से सेम यही टेक्स्ट व्यू कॉपी किया, ये लेबल है, सही है, इसका फैचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बैच कोड, सही है, और लेफ्ट एंड राइट वाली मार्जिन जो है वो मेरे पास यहाँ आ जाएगी, ताकि ये इसी के साथ एडजस्ट कर जाए। ठीक है, इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ है, सेम ये चीज नीचे आई, डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट एंड राइट कॉपी किया, इस मार्जिन की जगह पे रखा, सही है। और इसी तरीके से जेंडर के लिए हमने कॉपी करा, सेम एक लेबल है और एक पे हमारा डाटा फैच होके आएगा। जेंडर है, और एक पे हमने डाटा फेच करवाना है, जिस पे डाटा फेच कराना है उसके ऊपर हमने आईडी दी है, सही। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास एक टैक्स व्यू एक और आएगा, टैक्स व्यू का जो टैक्स है
डिलीट दिस रिकॉर्ड सही है। टेक्स अलाइनमेंट सेंटर, थोड़ा सेंटर होके आएगा। टेक्स कलर दे रही हूँ मैं इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट पूछेगा कलर क्या। इसके बाद हमारे पास है एक और लीनियर लेआउट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर दो बटन लगाने हैं, बराबर बराबर में लगाने हैं, ठीक है। रैप कंटेंट ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट एंड राइट से जो मार्जिन है वो दे दी है, और इसके अंदर की जो ग्रेविटी है उसको मैंने सेंटर दे दिया, सही है। अब इसके अंदर मैंने दो बटन बनाने, बटन है मेरे पास रैप कंटेंट, रैप कंटेंट और इसके ऊपर मेरे पास टेक्स्ट है, एक है यस है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आईडी दे दूंगी BTN डेल यस, ठीक है। ये लगाना रह गया था। इसी तरीके से यहाँ पे सेम चीज कॉपी करी, पेस्ट किया, यस की जगह मेरे पास आ गया नो, ठीक है। और इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया नो, ठीक है। इनके बीच में लेफ्ट या राइट से जो भी मार्जिन देनी है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। किसी एक पे भी दे दें तो भी सही है, काफी है। एक को लेफ्ट से दे दो, एक को राइट से दे दो, मर्जी है, सही है। यस एंड नो हमारे पास ये बटन आ चुके हैं, और हमारे पास ये इस तरीके से रिकॉर्ड आ गया होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये लगाना है कि जो भी हम यहाँ फाइंड करेंगे यहाँ यहाँ जो है वो उसका डाटा जो है वो फिल होके आएगा, सही है। उसके बाद यस एंड नो के बटन पे हमारे पास काम होगा। तो पहले इसको डिज़ाइन कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। बट में फाइंड नहीं चाहिए लिखा हुआ ना, ड्रॉबिल में जाओ, राइट क्लिक करो, ठीक है, न्यू पे जाओ, वेक्टर एसेट पे जाओ, यहाँ होता है फाइन या सर्च, जो भी तुम यहाँ पे लिखो। मैंने लिखा भाई फाइन, फाइन के नाम से अगर कोई होगा तो वो मुझे आइकन डिस्प्ले कराएगा, अगर फाइन के नाम से नहीं दे रहा होगा तो मैं सर्च के नाम से देख लूंगी, सही है। लोड हो रहा है वो, ठीक है। ज्यादा टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको फाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। आया सर्च का, ये वाला ले लो, ये आ गया। इसका नाम मैंने रख दिया आइकन सर्च या फाइंड, जो भी तुम्हें रखना है, ठीक है। ये फिनिश कर लो। अब इस बटन के ऊपर टेक्स्ट ना लगाओ, ठीक है, बैकग्राउंड लगा दो। और बैकग्राउंड में आइकन सर्च आ रहा होगा यहाँ पे, ये रहा ऊपर, ये लगा दो, ठीक है। यहाँ से बढ़ा लेना,
ठीक है, इस तरह आ जाएगा सर्च। ठीक है, सही है, इस तरह आप कर लो। अभी इस पे चलेगा, यहाँ पे जो है वो चेंज किया, डिलीट स्टूडेंट कर दिया है इसको। ठीक है, और ये सर नो के बटन थे। अब इधर एक्टिविटी में हम आ गए कि हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर हमें डाटा उठा के लेके आना है, सही है ना। बटन है हमारे पास पहले तो हम यहाँ बटन पे आते हैं। बटन है मेरे पास एक फाइंड का है, एक यस का बटन है और एक नो का बटन है, तीन बटन है मेरे पास। ठीक है, बटन कितने? तीन है, एक दो तीन। टेक्स्ट व्यू है मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट व्यू हमें किस वाला का लिखना है? ये वाला लिखना है, नेम ईमेल, नेम ईमेल, सही है, और बैच डेट ऑफ बर्थ। बैच हो गया मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और हो गया जेंडर, सही है। ये मेरे पास टैक्स व्यू है। नेम बराबर है, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट डिलीट स्टूडेंट। अच्छा, एक आईडी भी है इसमें, वो भी हमें लिखना है, सही है ना, क्योंकि आईडी ही टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें से हम उठाएंगे। ठीक है, आईडी हम यहाँ देख सकते हो, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा। ठीक है, ये भी पिक करना है, ठीक है ना। आईडी स्टूडेंट आईडी, ईमेल, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है, ईमेल वाला, इसके बाद है हमारे पास बैच, सही है, उसको चेंज किया मैंने, बैच बैच डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डी ओ बी, ठीक है ना। जेंडर है मेरे पास, अब बटन की बारी है। फाइन, VTN, डिलीट, डेल VTN, एक बटन ये है, ठीक है, एक है मेरे पास यस का और एक है मेरे पास नो का। यस हो गया और एक जो नो वाला है वो नो का है। ठीक है, इन तीनों के इवेंट बनाने, ठीक है, तीनों ही बना लो। स्विच केस से करना है, स्विच केस से भी कर सकते हो, मर्जी है। मैंने फाइंड डॉट सेट ऑन क्लिक लेसनर,
न्यू अलग अलग बना दे रही हूँ मैं, एक ही में नहीं बना रही। वी ऑन के लिए लिसनर ये रहा, अगर फाइन होगा तो ये है, डिलीट करना है यानी यस डॉट सेट ऑन लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर ये होगा, और इसी तरीके से इसी के नीचे नो वाले बटन का है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, मेरे पास तीनों बटन का यहाँ कोड हुआ हुआ। एडिट पे आओगे, एडिट के ऊपर मैंने ये फाइन वाला कोड करा हुआ है, ये रहा, ये किया हुआ है ना, ये वाला, ये पूरा कोड कॉपी होगा, कॉपी होगी कहाँ आ जाएगा, डिलीट एक्टिविटी पे यहाँ आ जाएगा। सही है, ये रहा डेटाबेस हमने ऊपर बनाया है, इधर हमने नहीं बनाया है, इधर हम बना लेंगे, कॉपी करेंगे हम यहाँ पे और इधर डेटाबेस का बना लेंगे। सही है, अभी हम जो करेंटली मौजूद हैं वो है डिलीट एक्टिविटी में। सही है, अब नेम, ईमेल, बैच, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है वो सारा यहाँ का यहाँ डिस्प्ले कर देगा। सही है, अब ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा फाइन पे। उसके बाद यस एंड नो में डिलीट वाला काम होना है, तो मैंने गलत जगह पेस कर दिया है, इधर करना है फाइन वन। सही है, फाइन के बटन पे ये काम करना था। ठीक है, नो के बटन पे क्या है कि मैं वापस मूव करके कहाँ चली जाऊँ, होम एक्टिविटी पे, इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, करंटली हम किस पे मौजूद हैं, डिलीट एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, मूव करके कहाँ जाना है, होम एक्टिविटी की क्लास पे जाना है। सही है, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ठीक है, ये मूव कर जाएगा, डिलीट का यहाँ पे है कि क्यूरी लिखनी है हमें। ठीक है ना, जो भी हम एग्जीक्यूट कराएंगे, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए एडिट वाले पे अगेन आ जाओ, यहाँ पे आपने अपडेट कराया था, इसी तरीके से इसको कॉपी करा, कॉपी करके हमने यहाँ यस वाले में यही दो लाइन्स पेस्ट करी। ठीक है, ये है डिलीट एक्टिविटी, रिकॉर्ड डिलीटेड। अब यहाँ होगा ये पूरा सेट वाला हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा कहाँ तक हटाना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो ये पूरा आ रहा है वेयर से पहले पहले तक का। ठीक है, आईडी वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आईडी गिवन है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है जो भी आपका है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो भी गिवन है वो उठाना। अच्छा, ये जो आईडी है वो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, आई थिंक सो। ठीक है, टेक्स्ट व्यू नहीं है, बाद में वो एरर दे, मैं इसको खुद ही पहले रिजॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आईडी इसमें आएगा। सही है, ठीक है, यस करेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ जाएगा, नो करेंगे वापस इंटेंट पे चले जाएंगे। चला के दिखा देती हूँ मैं इसको, Yeah.
डिलीट स्टूडेंट पे जब मैं यहाँ आऊँगी तो मेरे पास इस तरह आ रहा होगा। यहाँ मैंने वन लिखा, सर्च किया, अच्छा अभी जो मेरे पास एरर आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है, लेट्स सी। डिलीट एक्टिविटी के ऊपर आपके पास है, कर्सर में ले रहा। अच्छा मैंने इधर एक चीज़ नहीं करी है, वो है डेटाबेस ओपन, सही है। तो पहले मुझे यहाँ पे डेटाबेस ओपन भी करना है। जब तक मैं इसे ओपन नहीं करूँगी और यूज़ नहीं करूँगी तब तक मेरी कोई भी क्यूरी नहीं चलेगी, सही है। अब रन कर रहा है। ये मुझे हर पेज पे ओपन करना पड़ रहा है जहाँ डेटाबेस का काम है। और लेट्स सी द एरर। ठीक है, यहाँ के मेरे पास रिकॉर्ड अब श्योर है या नहीं है, नो करा मैंने, वापस यहाँ आ गई। ठीक है डिलीट स्टूडेंट, जीरो पे ही आ रहा है। मैंने कहा जीरो का रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, यस किया, रिकॉर्ड डिलीटेड। सर्च करूँगी ना, इनवैलिड यूज़र आईडी, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है बैक आ गई मैं, डिलीट पे आ रही हूँ मैं, और इन सबको मैंने ज़ीरो किया है, सर्च किया, ठीक है इनवैलिड यूज़र आईडी ये। अच्छा मैं एक काम ये करूँगी कि जब मैं इनवैलिड यूज़र आईडी देती हूँ ना, यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है, सही है मेरा, कि इनवैलिड अगर यूज़र आईडी है तो मेरे पास ये जितने भी इनके जो सेट टैक्स है ना, ठीक है ये इस तरह अगर हम कुछ डिलीट करते हैं और वो रह जाता है, ठीक है उसके बाद जब हम दोबारा उसको फाइंड करेंगे तो मेरे पास ये एम्प्टी देगा, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है स्टॉप करके दोबारा चला के दिखा रही हूँ। ठीक है चल रहा है, ये अपडेटेड हो रहा है। डिलीट स्टूडेंट पे क्लिक किया, जो यहाँ पे मेरे पास जो भी आईडी है, जैसे लेट सपोज वन है, मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया, अब ये मेरे पास आ गया, सही है। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ज़ीरो इनवैलिड आईडी है, तो पहले नीचे वाला एम्प्टी नहीं हो रहा था लेकिन अब वो एम्प्टी भी हो रहा है,
ये पहले भी इस पे करने देता था कि वो रिकॉर्ड वैसे ही रहता था, और इस पे आ रहा होता था कि इनवैलिड यूज़र आईडी, लेकिन लिखा हुआ आ रहा होता था। अब मैंने इसको भी ब्लैंक कर दिया, ठीक है।